मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो अबाउट द ट्रायंगल. ट्रायंगल मींस त्रिभुज. ट्रायंगल मींस त्रिभुज. ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस. थ्री वर्टिसेस. वर्टिसेस मींस कोने. साइड मींस भुजा. एंगल मींस कोण. एंड वर्टिसेस मींस कोना. अब देखिए, जैसे ये थ्री लाइन सेगमेंट से हमने एक ट्रायंगल बनाया. ट्रायंगल मींस जिसकी तीन साइडें होती हैं. क्या होती हैं? तीन साइडें. देखिए, ये आपकी साइड है, इसको बोलते हैं हम साइड्स. ओके, ये क्या है आपकी साइड्स. एंड नाउ, अब जहां पर ये टू लाइन सेगमेंट मैच करते हैं, यहां यहां और यहां, थ्री प्लेस हो गए. जो लाइन, दो लाइन सेगमेंट जहां पर मिलते हैं आपस में, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी कोना या शीर्ष. ओके, अंडरस्टैंड. अब आता है हमारा एंगल. अब एंगल कितने बने आपके? वन टू एंड थ्री. दिस इज एंगल. ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? थ्री. ओके, एंगल्स कितने होते हैं? थ्री. एंड वर्टेक्स कितने होते हैं? थ्री. अंडरस्टैंड? समझ में आया सभी को? यस. नेक्स्ट, टाइप ऑफ एंगल्स. अब हम जानेंगे कि एंगल्स के कितने प्रकार होते हैं. ट्रायंगल्स कैन बी डिवाइडेड ऑन टू बेसिस. जो ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हम दो आधार पे डिवाइड करते हैं. बेसिस इज आधार. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक साइड के आधार पर. नंबर टू, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरा एंगल्स के आधार पर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द बेसिस ऑफ साइड्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. नंबर वन, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस सम बाहु त्रिभुज. इक्विलेटरल मींस होता है बराबर. ओके, सम मींस बराबर, बाहु मींस भुजाएं, तो उसको बोलते हैं हम सम बाहु. इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. जिस ट्रायंगल की स्टूडेंट सभी साइडें इक्वल होती हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज. फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहां पर एक ट्रायंगल है आपका. इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर. ओके, अब इसमें थ्री साइड्स है स्टूडेंट्स. थ्री साइड्स में ध्यान से देखिए, हमने ये टू लाइंस ऐसे हर लाइन पे डाली हुई है. लाइन सेगमेंट पे डाली है ना. इसका मतलब होता है ये लाइन बराबर है इस लाइन के, और ये लाइन बराबर है इस लाइन के. ओके, ये लाइन बराबर है इस लाइन के, और ये लाइन बराबर है इस लाइन के. इट मीन्स थ्री लाइन्स आर इक्वल. दिस लाइन इज 3 सेंटीमीटर, दिस लाइन 3 सेंटीमीटर, एंड दिस लाइन 3 सेंटीमीटर्स. तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट,
नंबर टू आइसोसलीज ट्रायंगल, आइसोसलीज ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु देखिए, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। वह त्रिभुज या वह ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसलीज ट्रायंगल, उसको हम आइसोसलीज ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक हेयर, सी दिस ट्रायंगल, दिस साइड इक्वल इज दिस साइड। देखिए यहां पे आपका 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहां भी आपका 3 सेंटीमीटर है, यानी दिस लाइन इक्वल है दिस लाइन। ओके, और यहां पर लिखा आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए इस लाइन पे तो कोई क्रॉस नहीं है, इट मीन्स ये लाइन आपकी डिफरेंट है, यानी टू लाइन्स आर इक्वल एंड वन लाइन इज डिफरेंट। सो दिस इज आइसोसलीज ट्रायंगल। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मींस विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम मींस डिफरेंट, बाहु मींस भुजा। वह ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं उसको हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ए ट्रायंगल विच हैज 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड ए स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी 3ों साइड्स अनइक्वल होती हैं यानी बराबर नहीं होती, उसको हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, सी दिस ट्रायंगल, वन साइड 2 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 3 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो दिस इज स्केलिन ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? एंड नाउ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल का जो दूसरा टाइप है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब आपको एंगल के आधार पर ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, मींस न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर लेस देन 90। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था एंगल ये होते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो 3ों इसके एंगल्स हैं वो 90 से लेस है, मींस कम है 90 डिग्री से, है ना? 56 डिग्री, 67 डिग्री, 57 डिग्री। सो 3 एंगल्स आर लेस देन 90, तो 3ों एंगल्स आपके 90 से कम हैं। सो दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मींस अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इफ इट हैज 1 ऑब्ट्यूस एंगल, अगर उसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल हो तो वह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, मींस अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, वन साइड 108, ये आपकी 90 डिग्री से अबव है। अगर एक भी ट्रायंगल आपका 90 प्लस हो तो वो ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। ओके नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल मींस समकोण त्रिभुज। समकोण कितना होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट हैज 1 राइट एंगल, 90 डिग्री। द साइड अपोजिट्स टू द राइट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड
इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इट्स कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, इसको हम कर्ण भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। देखिए ये आपका राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री। अब जो थर्ड आपकी लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों लाइन से बड़ी होगी, ओके, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए लाइनें ऐड की गई हैं। एक आपको ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल में आपको वर्टिसेस, एंगल्स एंड साइड्स बतानी है आपको। ओके, वर्टिसेस मीन्स आपके जो जहां पर दो लाइनें टच करती हैं। ओके, तो क्या है, ए बी एंड सी। ओके, एंड नाउ एंगल्स, एंगल्स क्या है आपके, दिस वन। अब हम जब एंगल्स लिखते हैं तो उसका साइन ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, पहले लिखेंगे आप ए बी सी, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया, एंगल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट एंगल, अब आप बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी ए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एंगल सी ए बी। ओके, ये एंगल बनता है, थ्री पॉइंट्स को जोड़ के एक एंगल बनेगा, और जो पॉइंट्स स्टूडेंट बीच में होगा, इट मीन्स हम उसका साइज बता रहे हैं, यानी उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, एंड नाउ राइट साइड्स, साइड्स क्या हैं, देखिए वन साइड ये है आपकी ए बी, सो राइट हियर ए बी। ओके, सेकेंड साइड बी सी, सो राइट हेयर बी सी। ओके, थर्ड साइड इज सी ए, सो राइट हेयर सी ए। ओके, अंडरस्टैंड, नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू दियर साइड्स। अब यहां पर आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, आप उनकी साइड को देखकर उन ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। ओके, लुक हियर, फर्स्ट सी ए, लुक द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर्स। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज इक्विलेटरल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो इट इज स्केलिन। ट्रायंगल ओके, थर्ड लुक हेयर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इस साइड का पता नहीं है, इट मीन्स ये डिफरेंस है, तो टू साइड्स आर इक्वल, सो इट इज एसोसेलीज ट्रायंगल। आई सॉस लीज ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट डी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो इट इज, जिसकी सभी साइडें डिफरेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्केलिन।
क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रेंगन। स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ ए एंड एफ डू योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द पॉसिबल ग्रुप ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। अब देखिए, आपको यहां पे कुछ ग्रुप दिए गए हैं। अब आपको उस ग्रुप को देखकर बताना है क्या वो पॉसिबल ग्रुप ऑफ एंगल है, क्या उन एंगल से ट्रेंगल बन सकता है। देखिए, जो ट्रेंगल होता है उसके जो सभी एंगल्स होते हैं, अगर हम उन सभी को जोड़ेंगे तो उनका सम 180 होता है। कितना होता है? 180। तो आप पहले ट्राई करेंगे क्या इनका सम 180 है। आप वैसे ही ट्राई करेंगे, 6 3 प्लस 90 प्लस 60, तो क्या होगा? राइट करके देखते हैं। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इजिकल टू, अब आप इनको प्लस करेंगे, 3 प्लस 9 12 12 प्लस 6 18 एंड 0। कितना है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे? यस, दिस ग्रुप इज पॉसिबल ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट, 65 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके, लुक, 5 एंड 5 10, कैरी 1, 6 प्लस 3 9 एंड 9 18 एंड 1 19 डिग्री। इट इज बिगर देन 180, सो हम यहां लिखेंगे नो, दिस ग्रुप इज नॉट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ये जो आपका ग्रुप है इससे आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट, 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इजिकल टू, देखिए वंस प्लेस पर जीरो है तो आप जीरो को आउट कर देंगे, 4 प्लस 8 12 प्लस 6 18, 180 डिग्री। सो दिस इज यस। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, आइडेंटिफाई द पॉसिबल ग्रुप ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल। अब आपको बताना है यहां जो आपको साइड्स दी गई हैं, क्या ये साइड्स एक ट्रेंगल बनाती हैं या नहीं? यस और नो में ही आंसर देना है। देखिए, जब हम साइड के आधार पर ट्रेंगल को देखते हैं तो टू साइड्स का सम्स तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? अगर हम टू साइड्स को जोड़ते हैं और वो तीसरी से बड़ी नहीं है तो वो ग्रुप ऑफ साइड ऑफ ए ट्रेंगल नहीं होगा। अगर वो बड़ी है तो वो ग्रुप ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल होगा। ओके, लुक हियर, 4.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ओके, पहले हम टू साइड्स को प्लस करेंगे, हाउ मच? 6.5 सेंटीमीटर। अब आपकी जो थर्ड साइड है वो क्या है स्टूडेंट्स? 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, टू साइड्स का सम क्या रहा है? 6.5 थर्ड साइड से बड़ा है यानी बिगर है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज
ग्रुप ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, अगर ये छोटा हुआ तो आपको इट इज नॉट करना होगा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सी, टेक टू साइड्स 7 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस बोथ ऑफ देम 9 सेंटीमीटर और थर्ड साइड क्या आपके 9 सेंटीमीटर. तो दोनों क्या रहा आपका इक्वल है, क्या है इक्वल है. सो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ग्रुप ग्रुप ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सी एंड दी डू योर सेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टेक द करेक्ट आंसर. यहां जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनका सही आंसर टिक करेंगे. ओके, फर्स्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल ए ट्रायंगल कैन हैव इज 1, 0, 1, 2, 3. हाउ मच नंबर ऑफ एक्यूट, यानी जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, 3. द राइट ट्रायंगल कैन हैव राइट एंगल्स. अब जो राइट एंगल होता है उसमें कितने राइट एंगल होते हैं, ओनली 1. ओके, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन ए ब्लैंक्स. अब आपको बताना क्या होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सो 2. विच एंगल कैन हैव ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. अब आपको बताना है इन चारों ट्रायंगल्स में किसकी सभी साइडें डिफरेंट होती हैं, किसकी होती हैं, स्केलिन. किसकी होती है स्टूडेंट्स, स्केलिन ट्रायंगल. नंबर ऑफ ऑब्टूज एंगल ए ट्रायंगल कैन हैव इज नंबर ऑफ ऑब्टूज एंगल अ ट्रायंगल कैन हैव इज 1. यानी एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में कितने होते हैं ऑब्टूज, 1. ओके, सो स्टूडेंट्स ये थी आपके एक्सरसाइज 7.5.